Hello friends, welcome back. And now we are discussing another problem, and in this problem we have to draw an ogive graph. Okay, ogive boliye ya ogive boliye, ogive is the better pronunciation. So draw karna hai more than ogive graph ko aur uska median bhi find karna hai. So again, class interval is given to you 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 55 to 30, 30 to 35, 35 to 40. फ्रीक्वेंसी जो आपको यहाँ गिवन है वो है 2, 12, 2, 4, 3, 4, 3. तो सबसे पहले तो आपने जो ग्राफ में ये टेबल को ड्रॉ किया है, अब आपको मोर देन वाला ग्राफ बनाना है. तो मोर देन किससे होगा? ऑफ कोर्स लोअर लिमिट से ही मोर देन को देखा जाता है. सो मोर देन में आपने क्या किया, कोई भी वैल्यू क्या होगी, वो मोर देन 5 होगी, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30, मोर देन 35. भाई कोई भी आंसर जो होगा, कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी, वो मोर देन 10 तो इस कैटेगरी में आएगा नहीं, मोर देन 5 ही आएगा, क्योंकि 5 से 10 के बीच में देख रहे हैं. तो इसलिए मोर देन हम लोअर लिमिट में लेते हैं, मोर देन वाले केस में. कि जैसे 5 से बड़े कुछ नंबर होंगे, 10 से बड़े कुछ होंगे, 15 से कुछ बड़े होंगे, ठीक है ना. तो अब इसमें क्योंकि ये मोर देन ग्राफ है, आप चाहें तो यहाँ पे बैक से स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 3, then 3 plus 4 7, then 4 plus 3 10, 3 plus 4 is again 14, और फिर प्लस 2 किया 14 में तो 16, और इस 16 में अब 12 प्लस होगा, यानी इन सबको अगर आप प्लस करेंगे तो 28 देगा, और देन 28 यहाँ तक तो था ही 28, अब प्लस 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है. सो आपको बेसिकली मोर देन वाले ग्राफ में या अबव वाले केसेस में हम पीछे से ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करें तो ज़्यादा सेंस बनता है ना, वो जल्दी हो जाता है, क्विक अप्रोच है. अब आपको देखते हैं ये ग्राफ बनेगा कैसे, इसको बड़े आराम से देखिएगा. सबसे पहले तो इसमें लोअर लिमिट जो होगी वो एक्स एक्सिस पे बनेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो वाई एक्सिस पे बनती है, यहाँ तक कोई टेंशन. फिर आपने अपनी इस टेबल को बहुत गौर से देखा, एंड देन आपने रियलाइज़ किया कि भाई जो यहाँ पे क्लास इंटरवल है वो 5, 10, 15 है ना, ये 5-5 के गैप में है, और जो मोर देन वाली सीरीज़ है वो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 वाली है. तो ये सारे के सारे रिप्रेजेंट होंगे एक्स एक्सिस में, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट होती है वाई एक्सिस पे, ठीक है. तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, और सबसे पहले एक बॉक्स, बिग बॉक्स जो कि वाई एक्स एक्सिस में होगा वो 5 यूनिट्स का ले रहा हूँ मैं, और वाई एक्सिस में जो भी एक बॉक्स होगा उसे मैं 3 यूनिट्स का बोल रहा हूँ, ठीक है. क्योंकि आई एम मेकिंग इट विदाउट एनी ग्राफ एंड एनी स्केल, सो चांसेस आर देयर कि मेरी फिगर थोड़ा रैंडमली लाए, बट आपको तो यहाँ मेथड पे मेन कॉन्सेंट्रेशन करना है ना. एज आई टोल्ड यू, एक्स एक्सिस में मैंने 5-5 का गैप लिया है, और ये मैंने टिल 35 तक लिया है. सिमिलरली वाई एक्सिस में मैंने 3-3 का गैप लिया है, एंड इट इज़ गोइंग टिल 30. ओके, अब आप बड़े गौर से देखिएगा इस ग्राफ में. जब हम टेबल पे वापस जाएंगे, फिर मैं आपको टेबल दिखा दूं. जब मोर देन 5, मोर देन 5 यानी 5 से ज़्यादा कितने लोग थे, 30, 10 से ज़्यादा कितने थे, 28, 15 से ज़्यादा 16, 20 से ज़्यादा 14, 25 से ज़्यादा 14, और 30 से ज़्यादा 10, सॉरी 30 से ज़्यादा 7 थे, 35 से ज़्यादा 3 थे. तो इन्हीं सब लोगों को प्लॉट करना है, और जो यहाँ कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे जैसे 5 और 30 इसके लिए, इसके लिए बनेगा 15 और 16, इसके लिए बना 30 और 7. तो हम ऐसे ही यहाँ पे प्लॉट करने जा रहे हैं, ठीक है. सो नाउ एज यू कैन सी, व्हेन आई विल मेक अ ग्राफ, एक 5-10 को प्लॉट करना था, एक 10-28 को प्लॉट करना था, 15-16, 20-14, 25-10, 37 और 35 और 3, ये सबको प्लॉट करना था, ठीक है. तो आपके पास तो एग्जामिनेशन में प्रॉपरली ग्राफ गिवन होगा, स्केल से बनाएंगे तो आपको तो और क्लियर बनेगा. अच्छा, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे हमें बनाने हैं, इनका नेमिंग ज़रूर कीजिएगा, और इसको फ्री हैंड आप ड्रॉ कीजिए, किसी स्केल से मत कीजिएगा, फ्री हैंड. जैसे अगर ये 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो आराम से आप फ्री हैंड इन्हें कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है. सो ये आपका ड्रॉ जाएगा बेटा ग्राफ, क्योंकि ये मोर देन टाइप का है, तो ये बड़े से चालू होगा और नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. अब इसी क्वेश्चन में आपसे मीडियन फाइंड करने के लिए भी बोला था. मीडियन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है,
सबसे पहले आपको देखना होता है टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी। टोटल फ्रीक्वेंसी थी यहाँ पे 30। आप जब 30 का हाफ करेंगे तो वो आएगा 15। तो जो वाई एक्सिस होगा आपका, ठीक है, तो वाई एक्सिस में सबसे पहले आपको 15 को लोकेट करना है, और बाय यूजिंग ए स्केल, स्केल से आपको एक डायरेक्ट यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। लेट्स से उसने यहाँ कट किया, और यहीं से आपको फिर से एक स्ट्रेट लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगी वो ड्रॉ करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट। और जहाँ पे भी आपका एक्स एक्सिस कट होगा उस पॉइंट में जो भी वैल्यू होगा वो वही आपका मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मीडियन मैंने रफली अगर देखा तो 17.5 मीडियन आपका आया है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, मीडियन के लिए क्या होगा, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, जैसे आप इस केस में 30 थी, उसको जब आप डिवाइड करेंगे जो भी नंबर आपका पॉपुलेट होगा उसको प्लीज़ वाई एक्सिस में ढूंढिए। जैसे ही आपको नंबर मिल जाएगा डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग स्केल से इस कर्व, ये जो कर्व बन रहा है उसको कट कीजिए। जिस भी पॉइंट पे कट कर रहा है वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन या एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस की तरफ, और एक्स एक्सिस आपका जहाँ भी कट होगा वो आपका मीडियन बन जाएगा, ठीक है। सो यही क्वेश्चन था हमारा, मोर देन ओजाइव ग्राफ प्लस एज वेल एज टू फाइंड द मीडियन ऑफ इट। ओके, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू।